ये बैग दिखाओ, पूरा खोलो। हाँ, ये माल ज्यादा टाइट नहीं हो गया? थोड़ा पानी और पड़ना चाहिए था ना। आपने ऐसा माल कभी बनाया था? नहीं, ऐसा माल हमने कभी जिंदगी में नहीं बनाया। ना तो इतनी वाइटनेस और ना ही इतना शाइनिंग जो है, हाथ में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पाउडर लगा हुआ हो जैसे। इससे फायदा क्या क्या होगा? काफी फायदा होगा सर। क्या क्या होगा? माल की मजबूती बहुत बढ़िया है और देखते ही साथ ही कस्टमर कहेगा भाओ पहले ये दे दो पीस, पहले यही मांगेगा, क्योंकि ये हर पीस से अलग ही दिखाई देगा। ये हर पीस से अलग दिखेगा ये, और बनाना भी बहुत बढ़िया लग रहा है। ये हमने माल डाल दिया, सिर्फ इसकी सेटिंग देखना है कि कितनी देर की। माल की फैलावट कैसी है? बहुत बढ़िया सर। है मक्खन के तरह चल रहा है माल, आगे आगे बहुत बढ़िया। मतलब इस तरीके का ये माल हमने सिर्फ या तो जो पहले 8 फुट का 10 फुट का लेंथ आता था उन मालों के अंदर देखे थे, लेकिन वो भी सूखने के बाद जो उसका गीला में इतना चमक है, इतना वाइटनेस है, तो सूखने के बाद कितना लाइट करेगा ये तो डबल लाइट करेगा। आपके हिसाब से कंपनी आगे कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। सिर्फ मार्केट को पकड़ करनी चाहिए, जैसे मार्केट आप पकड़ करेंगे उसी हिसाब से ग्राहक को समझाने की जरूरत है, ग्राहक को समझाने की जरूरत है, पार्टी को समझाने की जरूरत है। एक दो जगह साइड पर जा करके जहाँ माल लग रहा हो आप उसी पे डालो, उस माल को बचा हुआ है क्या? हाँ, बचा हुआ है। डालो उसी पे डालो। ये तो पीओपी है ही नहीं, ये तो ऐसा ना जैसे बिल्ला पुट्टी है। अच्छा, आपको बिल्ला पुट्टी का भी इतना चमक नहीं होता है। अच्छा, ये पुट्टी से भी आपको बढ़िया लगा? इससे भी बहुत बढ़िया लगा। सिर्फ अब इसको सेट करके थोड़ा सा और इसको माल की तोड़ के देखेंगे इसकी मजबूती इस तरीके से। अब तो आपको आपको अंदाजा से ज़्यादा माल निकल रहा है? बहुत बढ़िया, क्योंकि जितने माल में हम ये एक पीस का सोच के बनाए थे। अच्छा, आपने आपने एक पीस सोच के बनाया? ये सोचा था कि जितना माल हम बनाते हैं सिर्फ एक गोले का होगा जो 18 इंच का गोला है, और उसके बेनिफिट हमारा ये हुआ कि एक गोला मेरा मीडियम साइज का 12 से 14 इंच का और भी बढ़ गया, एक और 6 इंच का और भी बढ़ गया। उसके बावजूद भी इसमें इतना माल है कि जिस पीस को हम बना के 25 से 30 रुपए का एक पीस बेच देंगे। अच्छा, बनाओ जरा उसको भी बनाओ। क्या कह रहे, दोबारा बताओ। जैसे कि अगर जितनी देर से वो पीस भर रहे हैं ये माल बचा हुआ है, अगर दूसरा माल कोई भी होता किसी भी कंपनी का इसके अलावा तब तक ये तसले में सेट होगा, वो माल मेरे को फेंकना पड़ता, वेस्टेज हो जाता, लेकिन इनमें ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, ये आपने बनाया? हाँ। वो भी बिना तेल का? बगैर तेल। तो ये इतना पतला निकल जाएगा? नहीं, अभी इसमें से जो पत्ती मारेंगे जो माल उसमें से बचेगा वो हम इसमें डाल देंगे, मतलब माल वेस्ट नहीं हुआ कोई। अच्छा, आपका ये 3 फालतू निकला? ये 3 फालतू निकला आपका? सोच के बनाए थे एक का, उसके एवज में 3 2 3 और बढ़ गया। अच्छा, 3 और बढ़ गया। हाँ।
ऐसे माल अपनी जिंदगी में कभी लगाया? नहीं, ऐसा माल हमने पहले कभी नहीं देखा। कभी नहीं? कभी नहीं। यहाँ से लेके हमने बिहार तक देखा, वहाँ भी सकरनी चलता है, लेकिन ऐसा माल नहीं देखा हमने। दरभंगा में वहाँ पे सकरनी की महीने की 4 ट्रक लगता है। हाँ। दरभंगा दुनार चौराहे पे। हाँ, दुनार चौराहे पे। हाँ। लेकिन ऐसा माल नहीं। अच्छा। और दिल को तसल्ली होगा, लेकिन ऐसा माल हमने कभी नहीं लिया। रेट तो हमने भाई साहब से भी पूछा नहीं है। अब भैया बताएंगे कितने वेट कितना है इसका? 250 रुपये रेट है। 20 किलो 20 किलो 20 किलो वेट है। बहुत बढ़िया। अब उस पानी को फेंको, उस पानी में मत घोलना। आज हम मरा हुआ पानी रखते हैं जो दूसरे पीओपी का होता है, तो इसमें हमने मरा हुआ पानी देखा, बिल्कुल ताज़ा पानी है। ये माल जब सेट होगा तो उस माल के ताकत के मुकाबले इस माल को कम से कम 10 गुना ज़्यादा ताकत है, क्योंकि इसमें मरा हुआ पानी नहीं लगा। थोड़ा टाइम बेशक लग गया, लेकिन माल बहुत ही मजबूत और एकदम से ताकतवर माल। तो ले आओ भाई, एक बार ट्राई करने के लिए, चाहे बैंक का ढोल लो, कोई ऑफिस हो तो अपने ठेकेदार को बोले जाए कि ला भाई पहले एक ऑफिस इस माल को करके दिखाओ। लगेगा, जमेगा तो कहेगा नहीं भाई बाकी माल कंपनी को रोशी बोलेगा। आपको फायदा भी तो इसमें, वो कट्टा जहाँ आपका 10 कट्टे में काम हो रहा है, वहाँ ये 6 कट्टे में काम हो रहा है आपका, 4 कट्टे का तो आपका वो बेनिफिट हो गया। और क्या लोगे, आपका माल वेस्ट ही नहीं हो रहा, टाइमिंग हर चीज़ लगाने का समय मिल गया। ऐसा नहीं जैसे आम कट्टा कोई आता है, माल लगाते लगाते कोई सेट हो गया तो एक एक तसला भर भर के फेंकना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अब देखो, अब ये मेरा माल बन गया पत्ती के लायक। ये हल्का पत्ती मार दिया, दूध फेल है भाई। मैंने कहा ना कि दही मट्ठा अभी काट के निकाल। अगर ये एक बार दीवार पे लग दिया तो आप पहली बार जाएंगे जहाँ ये माल लगा होगा, वहाँ तो आप ये कहेंगे कि इस पे तो भाई सफ़ेद पेंट हो चुका है। नहीं, सफ़ेद पेंट हो चुका है, बिल्ला पट्टी का तो अलग दिखता है ना, क्योंकि रेशा दिखता है, इस पर रेशा नहीं दिखाई देगा। तो पतला निकल जाएगा, तो थोड़ा घोल के उसमें डाल दो ना, डाल दो थोड़ा घोल के। मूर्ति का सीजन। अच्छा, आप मूर्ति वालों से कॉन्टेक्ट कर लें, उनके ट्रक से ट्रक माल लगेगा। अच्छा, और उनके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। एक तो पीस टूटेगा नहीं, बहुत ही उसके लाभदायक समझ ले, रामबांग का काम करेगा। ठीक। और यहाँ पे अब जो आएगा लड़का, एक हमारा भंवर सिंह उस्ताद है, एक तो भंवर सिंह है पीरागढ़ी के अंदर में, एक यहाँ पे आएगा क्या नाम है उसका, मोहन मोहन करके, ये दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग लोग आदमी रहे, उनसे एक बार कॉन्टेक्ट करो, उनको माल दीजिए। क्यों जाता है ये? बस इसीलिए जाता है कि 19 से ज़्यादा, जितना पानी में हम ये सोचते हैं कि ये मेरा पीस बन जाता था, दूसरे माल में पानी तो मैं उतना डाल रहा हूँ, माल तो मैं उतना डाल रहा हूँ, इस माल में फुलावट है, इसीलिए बढ़ोतरी है इस माल के अंदर में, इसीलिए बच जाता है। इसके लिए राम बांग का काम कर, जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, अब गणेश चौथ आने वाला है, आप वो लगाते हैं, कम से कम ट्रक के ट्रक माल लगाते हैं, और एक एक मूर्ति ऐसा बनता है जिसमें 10-10 कट्टे लग जाते हैं एक पीस के अंदर। तो उनको ये लगेगा कि 250 रुपये का बैग है ये, थोड़ा महंगा लगेगा। जब वो माल को लगाएंगे तो उनको यकीन होगा कि नहीं भाई, उस माल से इस माल में बचत भी है और पैसे की कोई बात नहीं है, इतना खास नहीं है। क्योंकि मान लो कि उतने कट्टे में वो 5 पीस निकाल रहा हो, और उतने कट्टे में इसका 8 पीस बन जाएगा, 3 पीस फालतू हो गया, तो उनका तो एक पीस 11-11 हज़ार रुपये का जाता है, 12-12 हज़ार का जाता है, कितने का फर्क पड़ता है। पर इजराइल जी, आप पीओपी के कॉन्ट्रेक्टर हैं, जरा इस पीओपी में जरा हाथ लगाएं, जरा मुझे ये बताओ कि ये आपको क्या लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है इसमें? पीओपी तो नहीं है, ये सीमेंटेड है। अच्छा, पीओपी नहीं है, ये सीमेंट है। हाँ,
यानी ये बहुत महंगा आइटम है। अच्छा, अगर मैं आपको इसको पीओपी के आसपास भाव में दूं फिर कैसा रहेगा भाई? अगर पीओपी का काम भी तो पीओपी का करना चाहिए ना। हाँ, काम पीओपी का करेगा तो ठीक है, अच्छी बात है, सही है, पीओपी का ही करेगा और बचत भी पीओपी। अब आपने इस माल को इससे पहले कभी देखा था ऐसा माल? नहीं देखा, और ऐसी फ्रीजिंग भी नहीं है, ऐसी बात। अगर आपको ऐसा माल मिलेगा तो आप लगाएंगे? ये थोड़ा महंगा माल है, कोई बात नहीं, महंगा हो तो क्या हो गया, लगाएंगे भाई, एवरेज अच्छा देगा, एवरेज अच्छा देगा, बिल्कुल लगाएंगे। अभी ये सारे मूर्ति इन्हीं से, ये जो बनाए हैं इन्होंने, ये सारे इसी से बनाए डिजाइन। वही तो मैं देख रहा हूं, ये कौन सी पीओपी आ गई है? अच्छा, कौन सी पीओपी आ गई? ये सकरनी वाल सकरनी सुपर प्लास्ट है ये। इसकी सेटिंग भी बहुत बढ़िया है, मजबूती 10 गुना ज़्यादा है। वो ऐसे ही लग रहा है वो। हाँ, मजबूती 10 गुना ज़्यादा है। देखने से पता चल रहा है यार, हम 10 घंटे भी काम करें ना इस माल को लगाते रहे तो हाथ नहीं थकेगा ना, तो उस माल में ऐसे होता खुरदते रहो जमने के बाद। मैं कह रहा हूँ बचत बहुत ज्यादा दिखाएगा ये कि। अच्छा, मुझे सब कुछ छांट के बताओ क्या क्या बचत है इसमें? इसमें सबसे पहले कि मान लीजिए कोई भी 10x10 का हम दीवार कर रहे हैं, उससे हमारा 6 कट्टा या 4 कट्टा लग रहा है, 6 कट्टे लग रहा हो दूसरा पीओपी, तो ये जाहिर है कि 3.5 कट्टे में इसकी पूर्ति हो सकता है। ठीक है, और किस हिसाब से? क्यों? दूसरा कि इसकी माल की टाइमिंग, जैसे वो 15 मिनट 10 मिनट 12 मिनट में सेट हो जाता है, इसकी टाइमिंग अच्छा है कि हमारा माल टाइमिंग की वजह से माल इतना भी वेस्ट नहीं होगा। जैसे आम कारीगर तसले में छोड़ देते हैं कि भाई सेट हो गया बेकार हो गया, उसको टाइम पूरा मिलेगा तो अपना माल को पूरा लगा देगा दीवार पे। ये बजट था। अच्छा, और क्या, मजबूती शानदार है, आपकी थकावट नहीं बचेगी सर, आप थकोगे ज़्यादा सर, थकें क्या से, उसको लगाएंगे 4 कट्टा, ये तो हमारा 6 कट्टा, ये हमारा 3 कट्टे में काम बन गया, टाइम बचा, उधर का टाइम बचा, हमारा पसीना निकलने से बचा, लेबर का टाइम बचा, तीनों आदमी की बचत है, थकावट बचा और फिनिशिंग भी अच्छा है। सबसे बढ़िया बात है, पार्टी एक बार देख करके उसको कहेगा हाँ मेरा पैसा जायज लग रहा है, जायज लग रहा है, गलत लग रहा है। चलिए, ये बन गया, ये लीजिए, ये आपका पीस। और जब ये गीला में इतना शाइनिंग है, सूखने के बाद कितना शानदार होगा बताइए। ये इतना मिट्टी क्यों आया? मिट्टी इसमें जो पहले का ना डाई के अंदर मिट्टी था, ये आ गया, वो वाले डाई जो सबसे बड़े आए हैं उसमें नहीं आएगा। चलिए ठीक है, उसको खोलिए। ये तो बची, इतना शानदार पीस है, आप इसका वो पीस उठाइए, ये वाला जो दूसरा पीओपी का पहले नंबर पे, ये देखिए कितना का फर्क, बहुत जमीन आसमान का। जब गीला में इतना है, ये सूखने के बाद और कितना वाइटनेस आएगा। वो लगाते हैं, ये तो हथौड़ी से तोड़ने से सूखने के बाद कैसे होगा? सूखने के बाद जैसे सीमेंट होता है ना, वाइट सीमेंट वैसा हो जाएगा। ये दिखाओ, इधर घुमाओ सर, मत देखिए, थोड़ी सी जल्दबाजी हमने किया है। आ गया, मजा आ गया, इसको बेटा वहाँ लड़ा, रुक जाओ, एक चीज मैंने कहा था ना।